माई ये लो आपके लिए साड़ी और कुछ सिंगार का सामान। आज हम गरीबों को खाने के साथ साथ कपड़े भी बांट रहे हैं। फिर वो बूढ़ी औरत सोना और कमला का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। वहीं कुछ दूर जाकर वो महिला रूप बदल कर एक देवी का रूप धारण कर लेती है। वो कोई और नहीं बल्कि वो स्वयं माँ दुर्गा थी। कमला और सोना दोनों सास बहू थी। देवी माँ की कृपा से दोनों सास बहू का तालमेल काफी अच्छा था। वहीं नवरात्रि के दिन शुरू हो चुके थे। नवरात्रि में कमला और सोना दोनों सास बहू हर साल लोगों को खाना कपड़े बांटकर लोगों की सेवा किया करती थी। हमेशा की तरह इस बार भी कमला और सोना लोगों को खाना बांट रही होती हैं कि तभी उनके पास एक बूढ़ी महिला आती है। जी अम्मा बैठिए, मैं अभी खाना परोसती हूँ। फिर सोना उस गरीब महिला को बैठा कर उसका आदर सत्कार कर ही रही होती है कि बगल में ही बैठी दंपत्ति। अरे कमला, तुम्हारी बहू का तो दिमाग ही नहीं है। इस गरीब भिखारन को लाकर हम जैसे रईसों के बीच में बैठा दिया है इसने। इसे अभी बोलो इस औरत को गेट के बाहर ले जाकर खाना देने को। माफ करना बहन जी, लेकिन हम देवी माँ की सेवा में हैं और ये गरीब और अमीर कुछ नहीं होता। हमारे लिए जितने महत्वपूर्ण आप हैं, उतना ही वो बहन भी है। तभी वो दंपत्ति चिढ़ जाते हैं। जब हमारी इज्जत ही नहीं करनी थी तो बुलाया ही क्यों? जाओ खुद ही उस भिखारन के बगल में बैठकर भोजन करो। फिर दोनों दंपत्ति वहाँ से चले जाते हैं। वहीं कमला उस बूढ़ी भिखारन के बगल में बैठकर खाना खाने लगती है और बाकी मेहमानों की तरह उसकी भी खूब आवभगत करती है। माई ये लो आपके लिए साड़ी और कुछ सिंगार का सामान। आज हम गरीबों को खाने के साथ साथ कपड़े भी बांट रहे हैं। फिर वो बूढ़ी औरत सोना और कमला का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। वहीं कुछ दूर जाकर वो महिला रूप बदल कर एक देवी का रूप धारण कर लेती है। वो कोई और नहीं बल्कि वो स्वयं माँ दुर्गा थी। ये लोग बड़े ही नेक और साफ दिल हैं। इन्होंने बिना मुझे जाने समझे मेरी बहुत सेवा की, वरना कहाँ कोई आज के युग में किसी बेसहारा गरीब की मदद करता है। आज से इनके घर में सुख संपत्ति और समृद्धि तीनों ही विराजमान होंगी। इतना कहकर माँ दुर्गा वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं अगले ही दिन मोहन के पास सोहित आता है। अरे भाई मोहन, माफ कर दे मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये ले तेरे 15 लाख रुपए, मैंने तुझसे झूठ कहा था। तेरे पैसे डूबे नहीं थे बल्कि बिजनेस में तुझे प्रॉफिट हुआ था। तुझसे झूठ बोलने के बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, माफ करना भाई। अरे कोई बात नहीं यार, ये भी तू ही रख ले। तू भले ही मेरे बचपन का दोस्त है लेकिन सगे भाई से कम नहीं है। नहीं भाई, मैं इसे नहीं रख सकता, तू रख ले। फिर सोहित जबरदस्ती मोहन के लाख मना करने के बाद भी उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है। वहीं मोहन वो पैसों से भरा सूटकेस दुर्गा माँ के चरणों में रखकर प्रणाम करता है कि तभी अचानक से सोना को उल्टियां होने लगती हैं, जिस कारण सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि बधाई हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। एक ही पल में दोनों खुशियां एक साथ देखकर सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि तभी राजा राम को वकील का कॉल आता है। राजा राम जी, बधाई हो, जिस केस के जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी वो केस अब हम जीत चुके हैं और आपकी वो 100 एकड़ जमीन और हवेली सरकार ने आपको लौटा दी है। अरे शुक्रिया वकील साहब, इतना शुभ समाचार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर तो मानो राजा राम की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वहीं घर में एक के बाद एक लगातार कुछ अच्छा हो रहा था जिससे बहुत खुश थे लोग। वहीं सभी घर वाले समझ जाते हैं कि ये माँ दुर्गा की ही कृपा है और सभी माँ को प्रणाम करते हैं और आदर के साथ उनकी खूब सेवा करते हैं। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए करणवीकपूर@gmail.com पर।